ए दोस्तों इसकी सैटिंग करते पे ने। लैंका कट दे लेबर आ गई जनाब, तीन तीन छे सत्त अठ नौ बंदे है जनाब, नौ बंदे कम करे इस मशीन से। जिन्हें भी ज़्यादा लेबर जिन्नी भी ज़्यादा होनी ही थोड़ी होंगी है, क्योंकि मशीन चंगी हो ट्रैक्टर चंगा हो काफ़ी नबेड़ा करती है। बिच थोड़ा आ वा दोस्तों, इन चलाने तो पहले यदि देखभाल करते पे कोई चीज़ बच्चे है या नहीं, तो बिच थोड़ा फसया हुआ है, इनू पहले कढ़न लगे ने। दोस्तों जरा किराया है तकरीबन 1000 रुपया है फी किले का, तो लेबर के बारे नहीं पता भी वो लेबर किन्ना ले रही है, तो आओ गल करने पूछने। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाईजान किन्ना किराया लेबर का? 700 मजदूर है, 700 किले का, तो ट्रैक्टर वाला 1000 लेंदा पे या घट है? 700 किले का, ठीक हो गया दोस्तों। 700 रुपया जनाब एक किले का, लेबर भी लेगी तो ट्रैक्टर वाला भी लवेगा। चेक कर लो जनाब इसकी सैटिंग, 700 भी ले लेंगे ने, 1000 रुपया भी ले लेंगे ने, लेकिन 700 तकरीबन जिन्ना डीजल महंगा है उसके मुताबिक तो मेरा ख्याल है भी थोड़ा है, लेकिन एक ही जगह तो मौजूद हैगी है, थोड़े भरे पे ने इतने ट्रैक्टर वाले का जोड़ा ना टाइम थोड़ा जहा घट लगेगा, तो हो सकता हूँ 700 ही बारे च हो। तकरीबन 4-5 किले की मक्की है, 4 से 5 किलों के थोड़े भरे पैन, तो ये तो ज़्यादा ज़्यादा 2-2.5 घंटे लगन गए पास। अच्छा कर लो इसकी सैटिंग, गुला उतारते पैन दोस्तों। जदों भी इसकी लाइन बननी है दोस्तों, इन अगे लगाना ट्रैक्टर नूं, कोई भी ट्रैक्टर हो ते उसकी जी शाफट है उन्हें बिल्कुल सीधा रखना है, उहदे विच वाल ना होवे, डेंग ना होवे, जे अगर डेंग होवेगा तो करासी टुट सकती है। अच्छा कर लो गुला लगाउण दा तरीका कार दोस्तों, एक साइड लग गई हुण दूसरी साइड ट्रैक्टर दी लगदी पई है। हाथ ना फेर लो भाई शाफ्ट नू, बंदा कमला जी नू फड़ाया है जा इत्थे हाथ बेचना दे भाई दोस्तों, लाइन बिल्कुल सीधी है, किसी किस्म की प्रॉब्लम कोई नहीं। दोस्तों आ जड़ा थोड़ा फसया हुआ है ना इनू कढ़न लगे ने, चेक कर लो। इस तरह के जेडे मामले है जदों जदों ऊपर जेड़ा बंदा खड़ा होंदा है जो है थोड़े विच मक्की विच सुटता है, वो यकदम अगर उनके हत्थों में रिश्क जाए थले चला जाए तो फिर तोड़ा भी विच वलिया जाता है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए, कोई चलाक तो तेज़ बंदा जेड़ा है ना वो ही उत्ते ऊपर खड़ा होवे।
ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਕਰੇ ਗੱਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਤਣਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ, ਤਰਪਾਲ ਤਰਪਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਣਾਅ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਜਾ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗੀ ਮੱਕੀ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੁੱਕੇ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਪਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਸਨੇ ਤੁੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿੱਥੇ ਆ ਦੋਸਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਰਪਾਲ ਕਾਫੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਨਾਬ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਚਲਾਇਆ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਤੋੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਨਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੁੱਪ ਜਾਵਣਗੇ ਜਨਾਬ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਲੈ ਆਓ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅੱਛਾ, ਦਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਹ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਕਪੜਾ ਵੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤੋ 260 ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ,
दोस्तों चेक कर लो जनाब, माशाल्लाह खड़कती पई है। तो मक्की हैगी सी मेरे ख्याल बारिया तो पई रही है जनाब, तो हुण गां दे पैं ए तोड़ा लगाया जाता पे, बकर उड़ती पी है तो बकर जाती पी ट्रैक्टर से, तो सारे मजदूरों पर भी जाती पी है। इसनों मठा करने वास्ते ए तोड़े का इस्तेमाल कर किया जाता पे दोस्तों। ताकि जी बकर है ना तोड़े विच निकल के एक ही जगह पर इकट्ठी बाहर निकले तो उड़े थोड़ी। दोस्तों थले वाली साइड भी बंधा पी है ताकि इनकी जी बकर है ना गांडे वाली साइड की आवे। पूरा बंदोबस्त हो गया दोस्तों। दोस्तों 260 की परफॉर्मेंस से लेबर का कम करना वेख लिया है। हुण मैं थोड़े सारे दोस्तों से लेना इजाजत, थोड़ा भरा मियां मुहम्मद अफजल बट्टू, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।